विजय कुमार सिंह जी, विधायक श्री गुंजेश्वर शाह जी, पूर्व विधायक श्री मंजीत सिंह जी, इरशादुल्ला साहब, बिहार विधान परिषद के सदस्य साथी संजय गांधी जी, निखिल मंडल जी, अभिषेक झा जी, यहाँ उपस्थित पार्टी के अन्य सभी पदाधिकारीगण, और आज इस समारोह में जनता दल यूनाइटेड पार्टी में शामिल होने वाले राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष श्री जगतानंद सिंह जी के छोटे सुपुत्र श्री अजीत जी, श्री रूपेश कुमार सिंह जो पैक्स अध्यक्ष हैं महनार के, और श्री प्रेम लाल सदा जी जो सहरसा के हैं और सदा समाज के एक महत्वपूर्ण नेता हैं, और उपस्थित आप सभी बुजुर्गों, नौजवान साथी, मीडिया के भाई। सबसे पहले तो हम अजीत जी का, रुपेश जी का और प्रेमलाल सदा जी का जनता दल यूनाइटेड परिवार में स्वागत करते हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन। अजीत जी क्या एक पहचान तो ये है कि वो श्री जगदानंद सिंह जी के पुत्र हैं, लेकिन उसके अतिरिक्त भी इनकी एक पहचान है, और वो पहचान है इन्होंने बीआईटी मिश्रा से इंजीनियरिंग पास करने के बाद एक बड़ी बड़े फर्म में नौकरी करते थे, और उसको छोड़कर इनके मन में जो समाज सेवा के प्रति समर्पण का भाव था उसको छोड़कर ये आए और 13 वर्षों से सक्रिय राजनीति में रहे। सक्रिय राजनीति में सिर्फ एक पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में नहीं थे, बल्कि इन्होंने गांव में घूम घूम कर काम करने का काम किया। गांव में जाकर इन्होंने नारी सशक्तिकरण की दिशा में काम किया। गांव में जाकर इन्होंने नौजवानों को एकत्रित करने का, उनको संगठित करने का काम किया, और कई तरह की इन्होंने जो रचनात्मक काम हो सकता है वो रचनात्मक काम ये लगातार करते रहे। रुपेश जी पैक्स के अध्यक्ष हैं, भी राष्ट्रीय जनता दल के साथ जुड़े रहे, और महनार के इलाके में इनका काफी सामाजिक काम है। प्रेमलाल सदा जी भी